हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये होटल है जहाँ पे हम लोगों नाइट में स्टे किया था। यहाँ पे मेरा डेटा मैंने कॉपी करने लगा भी मैं लगा दिया हूँ। रितेश और मैं भी रेस्ट कर रहे हैं, पंकज फ्रेश होने गया और गौरव कार से कुछ सामान लेने गया है। तो बस थोड़ी देर से उठेंगे और जाना है कटरा, वहाँ पे फिर हम लोग को चढ़ाई करनी है माँ वैष्णो देवी के मंदिर घूमने के लिए। आगे बैठे थे तो ड्राइव कर रहे थे, अब यहाँ पे होटल देख रहे हैं, अच्छा सा होटल मिल जाए तो यहाँ स्टे करेंगे, सुबह निकलेंगे कटरा के। तो होटल से कर दिया चेकआउट, सारे दोस्त लोग बढ़िया वहाँ से सामान लेके निकल गए हैं। रूम मतलब चेक कर लिए ना, छोटा तो नहीं है, ठीक है। उनका तौलिया छोड़ दिया हमने, पर उनका छोड़ दिया हाँ, उनका छोड़ना ही चला। चलो दोस्तों, ये एरिया है जो अगर आप जम्मू आएंगे तो ये आपको, ये बस स्टैंड है यहाँ पर पीछे, बस स्टैंड के पास में ये होटल वर्धन है जहाँ पर हम रुके हुए थे। काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीन है, इसके पहले भी नाइट हमने बहुत सारी होटल देखी थी लेकिन पसंद नहीं आई थी, तो ये होटल में हम रुके थे। अगर आप आते हैं तो बस स्टैंड के जस्ट पीछे ये होटल है, आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने ऐसे मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, जबलपुर के मध्य प्रदेश में मैं रोड ट्रिप प्लान की थी। तो पहले हम लोग दिल्ली में स्टे किए अपने एक फ्रेंड के यहाँ पे, और वहाँ से जम्मू तक कल नाइट में हम लोग आए और आज सुबह जम्मू से निकले हम लोग कटरा के लिए। और रोड की आप कंडीशन देख सकते कितनी प्यारी है, 4 लाइन आपको जम्मू से कटरा तक की आपको ऐसे ही रोड मिलने वाली है। दोस्तों हम लोग आ गए हैं जम्मू कटरा में, और ये जो पार्किंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप बाय रोड आते हैं तो पेट्रोल पंप के जस्ट पीछे बहुत बड़ी पार्किंग है, अपनी गाड़ी आप वहाँ खड़ी कर सकते हैं। जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ से थोड़ा सा नीचे आना है, पेट्रोल पंप है वहाँ, बहुत बड़ी पार्किंग है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं और हमारी गाड़ी हमने पार्क कर दी है। ये हम लोग अपनी गाड़ी की एंट्री करवा रहे हैं, जो पार्किंग टिकट हम लोग को मिलेगी। फिर यहाँ से आगे की यात्रा हम लोग स्टार्ट करेंगे। ट्रैकिंग है जो 16 किलोमीटर की यहाँ पर ट्रैकिंग है, नीचे से ऊपर वैष्णो देवी के मंदिर तक आप जाएंगे तो 16 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ की पार्किंग टिकट हमारी कार का 200 रुपये टिकट लगी हुई है यहाँ पर, और हम लोग पैदल जा रहे हैं वहाँ से, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे हम लोग चारों का और फिर ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे माँ वैष्णो देवी के टेम्पल के लिए। तो अगर आप लोग आते हैं, अगर आपको हेलीकॉप्टर से आपको जाना है तो 7 दिन पहले एडवांस बुकिंग आपको करनी पड़ेगी, जिसके चार्ज हैं 1700 रुपये वन साइड के, 3500 रुपये में आपको दोनों साइड आना और जाना आपको हेलीकॉप्टर से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप आते हैं तो 7 दिन पहले आपको एडवांस बुकिंग करवानी। तो गाइस अगर आप लोग आते हैं यहाँ पे तो आपकी लोकल सिम जहाँ पर रहते वहाँ की चलेगी नहीं, तो आपको यहाँ से ही सिम लेनी पड़ेगी। सिम काउंटर में हम लोग आए हुए हैं सिम लेने के लिए। तो दोस्तों 380 रुपये में आपको यहाँ मिल जाएगी, जो 1.5 GB डेटा मिलेगा पर डे का और 28 दिन की वैलिडिटी रहेगी। ये जम्मू कश्मीर में आप कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है यात्रा पंजीकरण कक्ष, यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और फिर यात्रा के लिए आपको आगे के लिए प्रस्थान। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, जितने लोग भी हैं सभी को यहाँ पर आना पड़ेगा अपने अपने आधार कार्ड लेकर के, और रजिस्ट्रेशन करवा के आपको एक ID मिलेगी जो लेकर के आप ऊपर यात्रा करने के लिए जाएंगे। फिर दोस्तों ये है यहाँ का एंट्रेंस पॉइंट जहाँ से आपको अपनी यात्रा स्टार्ट करनी है। अभी हम लोगों को ऑटो यहाँ पर छोड़ के गई है। एक पॉइंट है जो अगर आप घोड़े जाना चाहें तो वो पॉइंट है, और एक पॉइंट है जो अगर आप पैदल चलना चाहते हैं। तो अगर आप पैदल चलेंगे तो आपको यूनियन ऑटो यूनियन का एक यहाँ पर रेट फिक्स है, 210 रुपये का रेट है, यहाँ तक छोड़ के जाएगा आपको बस स्टैंड से। अगर आपको घोड़े के साथ जाना है तो 160 रुपये में वो आपको यहाँ तक ला के छोड़ेगा। तो दोस्तों हमारी चेकिंग हो गई है, ये माँ वैष्णो देवी का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप टेंपल जा रहे हैं तो ये पहला पॉइंट है। यहाँ पे हम लोगों की अभी चेकिंग हुई है, बैग की चेकिंग हुई है, जैसे कि मेरे पास ये बैग रहा तो पूरा। हम लोग की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और थकावट तो लग रही है क्योंकि ज़्यादा चल नहीं पाते, अब चल रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी।
ट्रॉली बिट्टू का रेट क्या रेट है? 1250 रुपये में ऐसे बैठ के जाइए, अपने बच्चे को ले जाइए। हाँ तो दोस्तों कैसा लग रहा है इतनी चढ़ाई करने के बाद? बस कोई गाड़ी वाला ऊपर, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तुम्हारा क्या कहना है? कोई गाड़ी वाला है, बेहतरीन बैठ के चलेंगे। ओके, पीस ऑफ केक है, आराम से चढ़ाएंगे। यस दैट्स अ स्प्रिट ब्रो। जय माता दी, जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। धूप है यहाँ पे, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। यस बहुत तेज थकावट लग रही है, जितने ज़्यादा चल रही हम लोग उतने ऊपर आ गए। तो हमने अभी पूछा कितना बचा है, तो भैया अंकल आंटी ने बताया कि वो तो चालू हुआ है, और हम लोग की ऐसी हालत हो गई पहुंचने के लिए ऊपर। आप लोग कराया पूरा ट्रैक ऊपर था? वो रात में गए थे। अच्छा रात में गए थे, पिछली बार गए थे अगस्त महीने, दो जगह ठीक है। अच्छा हमने 4 घंटे में दर्शन कर लिए थे माता, नीचे से चल, दो लड़के थे महाराज। मैकडोनाल्ड आ गया। जय माता दी। लोग यहाँ पर रुके हुए थे, मैकडोनाल्ड यहाँ पर है, जब आप चढ़ाई करेंगे तो आपके यहाँ मिल जाएगा। वहाँ पर रुक के हम लोग ने बर्गर खाया, थोड़ा सा एनर्जी आई, मस्त खाने के बाद हम लोग फिर से ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। 3 बज रहा है अभी का, और गौरव मेरे साथ में है अभी, हम दोनों साथ साथ ही चढ़ाई कर रहे हैं। जय माता दी बोल के पंकज और रितेश आगे भाग गए खाने के बाद सीधे। चलने के बाद एक पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पीछे लंगर मिल रहा है, और यहाँ से अभी थोड़ी और चढ़ाई बाकी है जहाँ हम लोग को ऊपर तक जाना है। दोस्तों अब बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, तो मैंने अपनी जैकेट निकाल के पहन ली है, और मेरे दोस्त लोग यहाँ पीछे लंगर खा रहे हैं, क्योंकि तो मैंने जस्ट अभी MD में खा के आया हूँ, तो मेरा तो पेट भरा हुआ है, तो मैंने मना कर दिया कि भाई नहीं मैं अभी नहीं खा सकता, तो मैं अभी बाहर वेट कर रहा हूँ उन लोग का, वो आएंगे तो उसके बाद फिर हम लोग निकल। दोस्तों अभी मैं यहाँ बैठा हूँ जब तक मेरे फ्रेंड लोग खा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप वैष्णो देवी आते हैं तो जो बच्चों लोगों की पालकी होती है उसका चार्ज है 1200 रुपये, आप घोड़ा लेकर आएंगे ऊपर तो घोड़ा का 1700 से 1800 रुपये है, और वन साइड सॉरी हेलीकॉप्टर का आपका 3500 रुपये राउंड ट्रिप पड़ेगा, जो आपको 7 दिन पहले आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। और हम लोगों ने जो टैक्सी ली थी यहाँ पर, जो उनका यूनियन है उनके फिक्स रेट हैं, अगर आप जहाँ से घोड़ा में बैठ के अगर आप जाते हो तो वहाँ के 160 रुपये लगेगा आपको बस स्टैंड से, कटरा बस स्टैंड से, और अगर आप पैदल ट्रैक करना चाहते हो 210 रुपये रेट फिक्स है इन लोगों के। तो हम लोगों को तो एनिमल क्रूरटी करना नहीं था और पैदल ही जाना था, पैदल ही ट्रैक करना था, तो हम लोग यहाँ तक आए, 210 रुपये हम लोगों ने ऑटो वाले को दिया। अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू ट्रैक कर रहे हैं, यहाँ पीछे लंगर हो रहा है, तो हमारे दोस्त लोग लंगर खा रहे हैं, और ठंड काफ़ी लग रही थी तो मैंने अभी जैकेट पहनी है, और अभी आगे की यात्रा करेंगे और पैदल, और आपको दिखाते हैं और बीच में क्या क्या मिलता है। और राइट नाउ दोस्तों मेरी ये कंडीशन है, पानी पी पी के एनर्जी लेके आ रहा हूँ, और माता वैष्णो देवी के धाम में जाने के लिए चढ़ाई कर रहा हूँ, पूरी मेहनत लगा रहा हूँ अपनी, मैं 5 किलोमीटर चढ़ लिया हूँ, हालत तो खत्म खत्म खराब हुई बहुत यार। गाइस अभी बच चुका है 7, तो मैं और पंकज अभी चढ़ ही रहे हैं ऊपर, लेकिन आपको बता दूं 15-16 किलोमीटर की यहाँ चढ़ाई है, और आप आते हो तो 1 हफ्ते पहले हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर लो,
यार नीचे आओगे तो यहाँ पे एक बैटरी कार मिल जाती है आपको 354 रुपये मात्र उसका लगता है, उससे आओ। अगर आप बिल्कुल भी कुछ वॉकिंग या फिर रनिंग नहीं करते हो ना तो पैदल चलने के लिए कोई मतलब नहीं है, नहीं चल पाओगे। फिर हम लोग चल रहे हैं ना, हालत ख़राब हो गई चलने में हम लोगों की, शकल देखो हम दोनों की, नहीं हो पा रहा यार। तो क्या जल्दी से पहुँचें और फिर वहाँ से उतरें। गाइस आप लोग देख रहे होंगे आरती की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। अभी समय हो रहा है 8:30 बज चुका है हम लोगों को सुबह ट्रैकिंग करते हुए, और बस 250-300 मीटर यहाँ से माता का भवन बचा हुआ है। ये देखिए ये पीछे, हाँ तो फाइनली बस पहुँचने वाले हैं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद, थकावट के बाद हम लोग बस माता के भवन में पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे हमारा ट्रैक समाप्त होगा। थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, आपको वहाँ का दृश्य दिखाते हैं कैसा है, और बैठे बैठे आप माता के दर्शन करिए। यहाँ से आप लेफ्ट में लॉकर अपना जो भी सामान है यहाँ पे आप रखवा के माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, और भेंट वगैरह अगर आप यहाँ से लेना चाहते तो यहाँ पर रेट लिस्ट में देख सकते। तो दोस्तों हम लोगों ने माता की भेंट यहाँ पर ले ली है चारों ने, और जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए अब सीधा। जय माता दी। दोस्तों ये यहाँ पे लाइन लग रही है, और अगर आप भेंट लेकर आए हुए हैं तो यहाँ पे लाइन लगी, और ये माता जी का मंदिर है। अंदर देखिए पूजा यात्रा चल रही है, पूजा अर्चना चल रही है। कोई नहीं तरह अच्छा हो गया। तो माता के दरबार से घूम कर आ गए हैं, पूरी यात्रा कर ली है, 12-15 किलोमीटर चल लिए हैं, माता के दर्शन हो गए हैं, और यहाँ पीछे लॉकर है। तो हो गया ब्रो, बस ये ब्लॉग वैष्णो देवी का बस यहीं तक था। मिलते एक नए ब्लॉग में जल्दी। गुड नाइट, बाय बाय।